ओके सो नाउ विल स्टार्ट द पावर रिलेशन इन एएम वेव। जैसा कि हमें मालूम है हमारी जो एएम वेव रहती है उस एएम वेव में जनरली तीन टर्म्स रहते हैं। एक रहता है कैरियर, दूसरा रहता है अपर साइड बैंड और तीसरा रहता है लोअर साइड बैंड। तो जो कैरियर में जो हमारे जो एएम वेव में जो पावर रहती है वो पावर जनरली तीन टर्म्स में डिवाइड होती है, एक कैरियर में, एक अपर साइड बैंड में, एक लोअर साइड बैंड में। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि एएम वेव कंसिस्ट ऑफ ए कैरियर एंड टू साइड बैंड, सिंस एएम वेव विल कंटेन मोर पावर देन द पावर कंटेन बाय एनी अनमॉड्यूलेटेड कैरियर। ठीक है, तो द एम्पलीट्यूड ऑफ द टू साइड बैंड आर डिपेंडेंट ऑन द मॉड्यूलेशन इंडेक्स। देखो मॉड्यूलेशन इंडेक्स पे उस एम्पलीट्यूड का जो साइड बैंड का एम्पलीट्यूड है वो डिपेंड रहता है। हेंस द पावर कंटेंट इन द साइड बैंड डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ एम। हेंस टोटल पावर इन एएम वेव इज अ फंक्शन ऑफ वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो टोटल पावर हमें लगता है कि टोटल पावर जो हमें एएम वेव में मिलता है वो टोटल पावर डिपेंड करता है कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स कितना है। मॉड्यूलेशन इंडेक्स कितना है मतलब कितना परसेंट मॉड्यूलेशन हो रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं द टोटल पावर इन एएम वेव में टोटल पावर कितनी रहती है उसका इक्वेशन अभी हम देखेंगे। द टोटल पावर इन एएम वेव इज गिवन बाय, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि एएम में तीन टर्म्स रहते हैं और उसके तीन टर्म्स के तीन डिफरेंट पावर होते हैं। सो पीटी इज इक्वल टू कैरियर पावर प्लस पावर इन यूएसबी प्लस पावर इन एलएसबी। तो कैरियर की पावर, यूएसबी की पावर और एलएसबी की पावर। जैसे सपोज ये वेव है, अगर ये वेव हमने कंसिडर किया तो इस वेव में क्या है, कैरियर की पावर है, उसके बाद अपर साइड बैंड की पावर है और उसके बाद लोअर साइड बैंड की पावर है, मतलब तीन टर्म्स है यहाँ पे। तो टोटल पावर जो है एएम वेव में वो पावर ड्यू टू कैरियर है, उसके बाद पावर इन यूएसबी एंड पावर इन एलएसबी। ठीक है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं फिर, पावर का इक्वेशन जैसा हमने लास्ट टाइम देखा था, पावर का इक्वेशन ये पावर इज इक्वल टू क्या रहता है, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इन टू करंट, ये इक्वेशन है पावर का। तो पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इन टू करंट, पर हम हमारा वोल्टेज क्या रहता है, V इज इक्वल टू आई आर, ये ओम्स लॉ हमें मालूम है, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो आर को क्या लिख सकते हैं, आई को क्या लिख सकते हैं हम, तो यहाँ पे आई इज इक्वल टू वी बाय आर, आई इज इक्वल टू वी बाय आर लिख सकते हैं हम यहाँ पे। तो पावर इज इक्वल टू V इन टू आई, तो P इज इक्वल टू, यहाँ पे हम V को ऐसा ही लिखेंगे एज इट इज, V इन टू आई को हम क्या लिख सकते हैं, V बाय आर। सो आई की जगह पे क्या लिखेंगे हम, V बाय आर। ठीक है, तो यहाँ पे V इंटू वी क्या होगा, V स्क्वेयर, V इंटू वी होगा V स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर। तो व्हाट इज पावर, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज स्क्वेयर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। ओके, वोल्टेज स्क्वेयर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इज द पावर। तो ये होगा हमारा पावर का इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने कैरियर की पावर को कैसा रिप्रेजेंट किया, वी स्क्वेयर बाय आर, पर यहाँ पे वी की जगह हमने क्या लिखा है, ई। ई मतलब वो वोल्टेज ही है, मैक्सिमम वोल्टेज। तो कैरियर का मैक्सिमम वोल्टेज मतलब कैरियर का एम्पलीट्यूड, इसको हमने क्या लिखा, ई कैरियर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर, पर ये मैक्सिमम वोल्टेज लेते हैं हम, ये कौन सा वोल्टेज है मैक्सिमम। तो मैक्सिमम वोल्टेज और आरएमएस वोल्टेज में फर्क होता है, अब हम वो आने वाले सेक्शन में देखेंगे कि ई कैरियर स्क्वेयर बाय आर प्लस अब पावर इन यूएसबी क्या रहेगा, पावर इन यूएसबी क्या रहेगा यहाँ पे, ई यूएसबी स्क्वेयर बाय आर, और पावर इन एलएसबी क्या रहेगा, ई एलएसबी स्क्वेयर बाय आर। ठीक है, जैसे कि पावर का इक्वेशन हमने यहाँ पे डिराइव किया उस वैसा। तो उसके बाद अभी ये इक्वेशन आ गया हमारा टोटल पावर इन एएम वेव। तो टोटल पावर इन एएम वेव इज इक्वल टू ई कैरियर स्क्वायर बाय आर प्लस ई यूएसबी स्क्वायर बाय आर प्लस ई एलएसबी स्क्वायर बाय आर। अब ये जो ई कैरियर है, ई यूएसबी है, ई एलएसबी है, ये कौन सी वैल्यूज है, दीज आर द मैक्सिमम वैल्यूज। सो ये वी मैक्स है, तो वी मैक्स को हम आरएमएस में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पे जो पीसी है, पीसी मतलब पावर, पावर इन कैरियर इज इक्वल टू ई कैरियर स्क्वायर बाय आर, पर ई कैरियर क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। तो मैक्सिमम वैल्यू को हम क्या करेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे, आरएमएस वैल्यू में। तो उसका इक्वेशन क्या रहता है, हमको मालूम है वी मैक्स इज इक्वल टू
वीमैक्स इज इक्वल टू, सॉरी वी आर एम एस इज इक्वल टू रहेगा ये वी आर एम एस, उसको अगर हमको आर एम एस वैल्यू, आर एम एस ये हमारी एक्चुअल वैल्यू रहती है, सो वी आर एम एस इज इक्वल टू क्या रहेगा वी मैक्स डिवाइडेड बाय टू डिवाइडेड बाय रूट टू, ये रहता है इक्वेशन हमारा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे उसको, ये इक्वेशन के यूज करके हम उसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो अब देखो PC इज इक्वल टू ई कैरियर स्क्वायर बाय आर है, तो उसको हम आर एम एस में लिखेंगे, तो क्या आएगा वो ई सी डिवाइडेड बाय रूट टू। तो PC इज इक्वल टू ई कैरियर को हम क्या लिखेंगे ई सी बाय रूट टू, तो ई सी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ टू ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, तो ब्रैकेट को अगर हमने स्क्वायर लिया तो क्या आएगा ई सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट टू का स्क्वायर मतलब टू, ये टू डिनोमिनेटर को आएगा, तो यहाँ पे मिलेंगे हमें टू आर। तो PC इज इक्वल टू क्या मिला हमें यहाँ पे ई स्क्वायर बाय 2R, ये हो गई उसकी वैल्यू, ये इसी को कौन सी वैल्यू, पिक कैरियर एम्पलीट्यूड, पिक मतलब मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। और ये जो वैल्यू मिले हमें अभी वो ये कौन सी वैल्यू है, ये है हमारी RMS वैल्यू। एज EC इज कांस्टेंट द कैरियर पावर PC आल्सो विल बी कांस्टेंट, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द मॉडुलेशन इंडेक्स। अब EC क्या है, हमारे कैरियर की पावर है, और कैरियर की पावर मॉडुलेशन इंडेक्स पे डिपेंड नहीं होती, इसीलिए वो कांस्टेंट मिलेंगे हमें। नाउ पावर इन साइड बैंड, अब ये होगा पावर इन कैरियर, अब दूसरा है पावर इन साइड बैंड। अब साइड बैंड में दोनों भी साइड बैंड में सेम ही पावर रहती है, तो हम उसको सेम ही लिखेंगे पी यूएसबी मतलब पावर इन यूएसबी इज इक्वल टू पावर इन एलएसबी इज इक्वल टू ई एलएसबी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। अब ई एलएसबी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, अब ये ई एलएसबी इज इक्वल टू आरएमएस वैल्यू ऑफ साइड बैंड एम्पलीट्यूड, तो हम उसको लिखेंगे As we know that the peak amplitude of each side band is MEC by 2, ठीक है। हर साइड बैंड का जो पीक एम्पलीट्यूड रहता है वो कितना रहता है MEC by 2, ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, ठीक है, लास्ट के कुछ लेक्चर्स में हमने किया है, ये MEC by 2 रहता है। जब हम AM का इक्वेशन हमने डिराइव किया था तब हमने ये निकाला था MEC by 2। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे पी यू एस बी इज इक्वल टू पी एल एस बी इज इक्वल टू एम ई सी बाय टू रूट टू। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है ई एल एस बी स्क्वायर बाय आर, तो ई एल एस बी के जगह पे हम क्या करेंगे एम ई सी बाय टू पुट करेंगे, ठीक है, एम ई सी बाय टू पुट करेंगे, तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, देखो एम ई सी बाय टू रूट टू, बराबर है, क्योंकि इसको हम इसको किस में कन्वर्ट करना है, हमें इसको आरएमएस में कन्वर्ट करना है, तो मतलब ये पीक एम्पलीट्यूड होगा, ये पीक एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय रूट टू, ये पीक एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय रूट टू मतलब एम ई सी बाय टू बाय रूट टू, ये हो गया हमारा आरएमएस वैल्यू। तो एम ई सी बाय टू का यहाँ पे क्या है स्क्वेयर है, तो एम ई सी बाय टू रूट टू, एम ई सी बाय टू रूट टू ब्रैकेट स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर, ओके okay, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो ये एम ई सी बाय टू है, किसकी वैल्यू है ये, वी नो दैट द पीक एम्पलीट्यूड ऑफ द ईच साइड बैंड इज एम ई सी बाय टू, ये साइड बैंड की पीक एम्पलीट्यूड ये रहती है, तो पीक एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय रूट टू मतलब इसको डिवाइडेड बाय रूट टू आएगा, अभी ये पीक एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय रूट टू, इसको डिवाइडेड बाय रूट टू आएगा, ठीक है। सो मैं इक्वेशन यहाँ पे लिखता हूँ फिर से, एम ई सी डिवाइडेड बाय टू, ये पीक एम्पलीट्यूड हो गया, अब इसका आरएमएस निकालना है तो क्या करेंगे हम उसको डिवाइड बाय रूट टू करेंगे, अब इसको डिवाइड बाय रूट टू करेंगे मतलब क्या, यहाँ पे ही रूट टू आ जाएगा, बराबर है। तो अब ये हो गई इसकी वैल्यू आरएमएस वैल्यू, अब इसका स्क्वेयर है, ठीक है, इसका क्या है यहाँ पे स्क्वेयर है, तो ये पूरी वैल्यू का स्क्वेयर आ जाएगा, तो देखो और डिवाइड बाय आर आ जाएगा, इसका पूरा स्क्वेयर, इस पूरी टर्म का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर आ जाएगा, तो ये सेम यहाँ पे लिखा है, ठीक है, देखो यहाँ पे सेम वही लिखा है, एम ई सी बाय टू को क्या 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 यहाँ पे ऐसा लिखा है, तो एम ई सी बाय टू रूट टू ब्रैकेट स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। तो क्या आएगा ये, इसका अगर हमने कैलकुलेशन किया तो हमें क्या मिलेगा, एम स्क्वेयर
इसी स्क्वेयर अभी टू रूट टू डिवीजन में है तो वो यहाँ पे डिवीजन में जाएंगे, मेन डिवीजन में, तो क्या आ जाएगा ये 2 इंटू रूट टू स्क्वेयर, 2 का स्क्वेयर 4, रूट टू का स्क्वेयर 2, तो 4 इंटू 2 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 8R, ठीक है, क्या आएगा यहाँ पे 8R, ठीक है। सो पी यू एस बी इज इक्वल टू पी एल एस बी इज इक्वल टू एम स्क्वेयर ई सी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 8R, तो ये आ गई हमारी पावर, पावर इन साइड बैंड, दोनों भी साइड बैंड में इतनी पावर रहती है, मतलब इतनी एल एस बी में और इतनी ही यू एस बी में। तो पी यू एस बी प्लस पी एल एस बी इज इक्वल टू, उसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एम स्क्वेयर ई सी स्क्वेयर बाई 8R को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एम स्क्वेयर बाई 4 और ई सी स्क्वेयर बाई 2R। हमने क्या किया, ये जो पूरी टर्म है, इस पूरी टर्म को हमने यहाँ पे, ये जो पूरी टर्म है उसको हमने ऐसे दो टर्म में सेपरेट किया, सेम ही है ये और ये पूरी टर्म, ये दोनों क्या है, सेम ही है, हमने सिर्फ उसको सिंप्लीफिकेशन के लिए किया। इन अब वो इक्वेशन, अब ई सी स्क्वेयर बाय 2R मतलब क्या रहता है, पीसी, ये जो ई सी स्क्वेयर बाय 2R है इसको क्या बोलते हैं, पीसी। देखो यहाँ पे ई सी स्क्वेयर बाय, ये ई सी स्क्वेयर बाय 2R को हम क्या बोलते हैं, पीसी बोलते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये ई सी स्क्वेयर बाय 2R को पीसी लिखेंगे यहाँ पे। तो देखो कैसा आएंगे इक्वेशन, पी यू एस बी मतलब अपर साइड बैंड का पावर इज इक्वल टू लोअर साइड बैंड का पावर, ये सेम ही रहते हैं, इसलिए एक ही इक्वेशन लिखा हमने, पी यू एस बी इज इक्वल टू पी ई एल एस बी इज इक्वल टू एम स्क्वेयर बाय 4 को एज इट इज लिखा और ई स्क्वेयर बाय 2R को हमने क्या लिखा यहाँ पे, पीसी लिखा, ठीक है। तो ये होगा हमारा पी यू एस बी इज इक्वल टू पी एल एस बी इज इक्वल टू एम स्क्वेयर बाय 4 पीसी, ये एम स्क्वेयर बाय 4 पीसी हो गया। अब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन, इस इक्वेशन में क्या करेंगे हम, ये पूरे पावर्स पुट करेंगे। तो देखो क्या आएगा फिर, नाउ टोटल पावर दैट इज अ ट्रांसमिटेड पावर कितना आएगा, देखो टोटल पावर क्या रहता है, टोटल पावर इज इक्वल टू पावर इन कैरियर, पावर इन कैरियर प्लस पावर इन अपर साइड बैंड प्लस पावर इन लोअर साइड बैंड। तो पीटी इज इक्वल टू पीसी को हम ऐसा ही लिखेंगे, पीसी प्लस यूएसबी को कैसे लिखेंगे, पी यूएसबी को एम स्क्वायर बाय 4 पीसी, और पी एल एस बी भी क्या रहता है, एम स्क्वायर बाय 4 पीसी, सेम ही रहता है ये और ये सेम रहता है, मतलब यूएसबी में जितनी पावर है उतनी ही पावर एल एस बी में रहती है। सो पीटी इज इक्वल टू पीसी प्लस एम स्क्वायर बाय 4 पीसी प्लस एम स्क्वायर बाय 4 पीसी, ओके। सो पीटी इज इक्वल टू, तो यहाँ पे देखो पीटी इज इक्वल टू, इसमें से क्या करेंगे हम, पीसी को कॉमन निकालेंगे। तो पीसी को कॉमन निकालने के बाद अंडर रूट में क्या रहेगा, यहाँ पे यहाँ से अगर पीसी निकालो तो यहाँ पे 1 रहेगा, प्लस यहाँ पे क्या रहेगा, एम स्क्वायर बाय 4 प्लस एम स्क्वायर बाय 4, तो डिनोमिनेटर सेम है तो उसकी एडिशन होगी, तो एम स्क्वायर बाय 4 प्लस एम स्क्वायर बाय 4 क्या मिलेगा, ट्वाइस एम स्क्वायर बाय 4, ट्वाइस एम स्क्वायर बाय 4 मतलब एम स्क्वायर बाय 2, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 प्लस एम स्क्वायर बाय 2 इन ब्रैकेट ब्रैकेट क्लोज इनटू पीसी। तो पीटी बाय ये भी इक्वेशन हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, या हम उस इक्वेशन को ऐसा भी लिख सकते हैं, पीटी बाय पीसी इज इक्वल टू 1 प्लस एम स्क्वायर बाय 2, ये हो गया हमारा टोटल पावर का इक्वेशन। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, पीटी इज इक्वल टू 1 प्लस एम स्क्वायर बाय 2 पीसी। इस इक्वेशन पे अभी बहुत न्यूमेरिकल हमें सॉल्व करना है। सो इक्वेशन 2.11.7 टेल्स अस अबाउट द रिलेशन बिटवीन द टोटल पावर ऑफ एएम वेव एंड द पावर कंटेंट ऑफ एन अनमॉड्यूलेटेड कैरियर विथ इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एम, टोटल पावर ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। अगर एम की वैल्यू यहाँ पे बढ़ती है तो पावर क्या होता है, इंक्रीज होता है। पीटी विल बी मैक्सिमम फॉर एम इज इक्वल टू 1 एंड इट इज 1.5 पीसी। अब यहाँ पे पीटी की वैल्यू मैक्सिमम कब रहेंगी, जब एम की वैल्यू यहाँ पे 1 रहेंगी। अगर यहाँ पे एम 1 है तो 1/2 कितना आएगा, 1 स्क्वायर मतलब 1, तो 1/2 आएगा 0.5, 1 प्लस 0.5 मतलब 1 प्लस 0.5 मतलब 1.5, सो पीटी आएगा हमें, पीटी इज इक्वल टू 1.5 पीसी आएगा, मतलब पीटी ये पीसी के हमें 1.5 गुना ज्यादा मिलेगा, ओके। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टोटल पावर इन कैरियर, टोटल पावर इन एएम वेव। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट है द मॉड्यूलेशन इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ पीटी एंड पीसी। अब मॉड्यूलेशन इंडेक्स हम पीटी और पीटी एंड पीसी के फॉर्म में भी उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिंपली इस इक्वेशन को क्या करना है, एम एक साइड में लेना है और बाकी सब टर्म उधर भेज देना है, दूसरे साइड में भेजना है, तो क्या मिलेगा, पीटी बाई पीसी इज इक्वल टू 1 प्लस एम स्क्वायर बाय 2। तो इसके मैथमेटिकल कैलकुलेशन करो, एम स्क्वायर को अगर यहाँ
रखा हमने, तो पी टी बाई पी सी माइनस वन हो जाएगा और ये टू इधर मल्टीप्लीकेशन को जाएगा, तो एम इज इक्वल टू, उसको हम अंडर रूट में लेंगे, अंडर रूट मतलब पावर कितना, 1/2, तो एम इज इक्वल टू टू इन ब्रैकेट पी टी बाई पी सी माइनस वन होल स्क्वेयर होल टू द पावर 1/2। ये हो गया मॉड्यूलेशन इंडेक्स का इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ पी टी एंड पी सी। पी टी इज द टोटल पावर, पी सी इज द कैरियर पावर। ओके, सो दिस इज द पावर, टोटल पावर इन कैरियर ए एम वेव। नेक्स्ट है ट्रांसमिशन इफिशियंसी। अब उसकी ट्रांसमिशन इफिशियंसी क्या है वो भी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसमिशन इफिशियंसी? तो ट्रांसमिशन इफिशियंसी ऑफ एन ए एम वेव इज द रेशियो ऑफ ट्रांसमिटेड पावर विथ विच कंटेंट्स इंफॉर्मेशन, दैट इज टोटल साइडबैंड पावर टू द टोटल ट्रांसमिटेड पावर। हमें मालूम है कि जो ए एम की वेव है, ए एम के वेव में कैरियर पावर रहती है, फिर यूएसबी की पावर रहती है और एलएसबी की पावर रहती है, पर इंफॉर्मेशन कैरियर में नहीं रहती, इंफॉर्मेशन सिर्फ साइड बैंड में रहती है। ओके, तो हम ट्रांसमिशन इफिशियंसी कैसे फाइंड करेंगे कि जिस जिस टर्म में या जिस साइड बैंड में पावर है, जिसमें पावर है डिवाइडेड बाय टोटल पावर, उसका रेशियो हम निकालेंगे और वो रेशियो जितना मिलेगा वो रहेंगे हमारे ट्रांसमिशन इफिशियंसी। ओनली द साइड बैंड कंटेंट्स ऑल इन्फॉर्मेशन, द कैरियर डज नॉट कंटेन एनी इन्फॉर्मेशन, तो हम निकालेंगे पावर। सो इफिशियंसी, ट्रांसमिशन इफिशियंसी को कैसे निकालेंगे हम, ईटा, उसको ईटा बोलते हैं। सो ईटा इज इक्वल टू इन्फॉर्मेशन किस में रहती है, लोअर साइड बैंड में और अपर साइड बैंड में, तो हम क्या लिखेंगे, पी एल एस बी प्लस पी यू एस बी डिवाइडेड बाई पी टी, और पी टी मतलब टोटल ट्रांसमिटेड पावर रहता है वो, जिसमें दो साइड बैंड भी रहते हैं और कैरियर भी रहता है। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, ईटा इज इक्वल टू पी एल एस बी प्लस पी यू एस बी डिवाइडेड बाय पी टी। तो अब उसको इक्वेशन लिखेंगे हम, पी एल एस बी मतलब क्या, एम स्क्वायर बाय फोर पी सी, प्लस पी यू एस बी मतलब सेम एम स्क्वायर बाय फोर पी सी, जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है ये एम स्क्वायर बाय फोर पी सी। ठीक है, पी यू एस बी और पी एल एस बी सेम ही रहता है, एम स्क्वायर बाय फोर पी सी। तो कितना आएगा ये, एम स्क्वायर बाय फोर पी सी प्लस एम स्क्वायर बाय फोर पी सी डिवाइडेड बाय पी टी कितना रहता है, वन प्लस एम स्क्वायर बाय फोर, वन प्लस एम स्क्वायर बाय टू ब्रैकेट क्लोज इन टू पी सी। तो अब इसमें क्या करेंगे हम, इसमें से न्यूमरेटर से दोनों टर्म से पी सी कॉमन निकालेंगे, तो ये पी सी पी सी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रहेगा सिर्फ यहाँ पे एम स्क्वायर बाय फोर प्लस एम स्क्वायर बाय फोर मतलब एम स्क्वायर बाय टू, तो यहाँ पे क्या रहेगा, एम स्क्वायर बाय टू डिवाइडेड बाय वन प्लस एम स्क्वायर बाय टू। नीचे उसका कैलकुलेशन करने के बाद हमें क्या मिलेगा, ईटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर बाय टू प्लस एम स्क्वायर, ईटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर बाय टू प्लस एम स्क्वायर। उसका अगर हमने परसेंटेज निकालना है सपोज, तो हम उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो ईटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर बाय टू प्लस एम स्क्वायर इंटू 100, ये होगा उसका परसेंटेज इफिशियंसी, ट्रांसमिशन इफिशियंसी का परसेंटेज। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर ट्रांसमिशन इफिशियंसी इन परसेंटेज, एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, तो नेक्स्ट है अभी, व्हाई शुड एम बी एज हाई एज पॉसिबल, अब एम ज्यादा क्यों होना चाहिए? तो देखो, अगर एम की वैल्यू ज्यादा है तो ऑब्वियसली ट्रांसमिशन इफिशियंसी ज्यादा रहेंगे, और ट्रांसमिशन इफिशियंसी जितनी ज्यादा उतना ट्रांसमिशन फेथफुल रहता है, उतना एडवांटेजेस है। सो व्हाई शुड एम बी एज हाई एज पॉसिबल, द हायर परसेंटेज ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज प्रिफर्ड फॉर स्ट्रॉन्ग एंड मोर इंटेलिजिबल रिसीव्ड सिग्नल, बिकॉज हायर परसेंटेज ऑफ मॉड्यूलेशन मीन्स हायर वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स एम, विथ इंक्रीज वैल्यू ऑफ एम द ट्रांसमिटेड पावर पी टी एंड द ए एम ट्रांसमीटर विल इंक्रीज। देखो, इस इक्वेशन से भी हमें पता चलता है कि पी टी इज इक्वल टू पी सी इन ब्रैकेट वन प्लस एम स्क्वायर बाय टू है, तो एम की वैल्यू जितनी ज्यादा उतनी पी टी की वैल्यू ज्यादा, मतलब ट्रांसमिटेड पावर जो है, तो ट्रांसमिटेड पावर बढ़ता है जब हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स बढ़ाते हैं। ओके, thus it is ensured that the received signal will be strong by having a higher percentage of modulation. Moreover, a strong signal is less likely to be get contaminated by noise or lost in the noise, hence becomes more intelligible. Okay, so
जो एम की वैल्यू ज़्यादा ही चाहिए, अगर एम की वैल्यू ज़्यादा रहेंगी तो ट्रांसमिटेड पावर ज़्यादा रहेगा, और ट्रांसमिटेड पावर जितना ज़्यादा उतना वो सिग्नल स्ट्रांग रहता है, मोर इम्यून रहता है नॉइस के लिए. सो दैट दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ हैविंग हाई वैल्यू ऑफ एम. अब हम वो जो ए एम पावर है, पावर इन ए एम, उसको करंट के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जैसे हमें मालूम है कि पी टी पावर इज इक्वल क्या रहता है, वी स्क्वेयर बाय आर, वैसे पावर आई स्क्वेयर आर भी रहता है. जैसे पावर का इक्वेशन हमें मालूम है, पावर क्या है, पी इज इक्वल टू वी इंटू आई. ठीक है, तो हम वी को क्या लिख सकते हैं, वी वी क्या रहता है, आई इंटू आर रहता है. तो हम वी की जगह पे यह क्या लिख सकता है, आई इंटू आर लिख सकते हैं. सो ये आई को हम ऐसे ही लिखेंगे, तो आई इंटू आई क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई स्क्वेयर. सो आई इंटू आई आई स्क्वेयर, और आर को हम ऐसे ही लिखेंगे, सो पी इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर, पी इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर. तो पावर को जैसे वोल्टेज के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, वोल्टेज और रेजिस्टेंस के, वैसे पावर को हम करंट और रेजिस्टेंस के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो यहाँ पे पी सी इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर है, तो पी टी इज इक्वल टू आई स्क्वेयर, पी सी क्या आएगा यहाँ पे, पी सी इज इक्वल टू आई सी स्क्वेयर बाय आई सी स्क्वेयर इंटू आर आएगा. तो पी टी क्या आएगा, पी टी आएगा आई टी स्क्वेयर बाय आर. आई टी मतलब टोटल करंट. अब यहाँ पे वोल्टेज के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हम, यहाँ पे करंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे. तो पी टी इज इक्वल टू आई टी स्क्वेयर इंटू आर. तो देखो पी टी बाय पी सी इज इक्वल टू आई टी स्क्वेयर बाय आई सी स्क्वेयर इंटू आर, और इंटू आर यहाँ पे हम दोनों को भी आर लिख रहे हैं, तो आर आर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आई टी बाय आई सी ब्रैकेट स्क्वेयर. ठीक है, तो पी टी बाय पी सी इज इक्वल टू वन प्लस एम स्क्वेयर बाय टू आएगा यहाँ पे. ओके, ये हमारा इक्वेशन है ऑलरेडी. तो हम क्या करेंगे, पी टी और पी सी को किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, आई टी और आई सी के. ये देखो पी टी बाय पी सी की जगह पे हम करंट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस इक्वेशन से, आई टी बाय आई सी ब्रैकेट स्क्वेयर इज इक्वल टू वन प्लस एम स्क्वेयर बाय टू. ठीक है, तो क्या आएगा, ये स्क्वेयर है तो इसका अंडर रूट आ जाएगा. तो आई टी इज इक्वल टू आई सी, ठीक है, इन ब्रैकेट वन प्लस एम स्क्वेयर बाय टू ब्रैकेट टू द पावर वन बाय टू. वन बाय टू मतलब वो अंडर रूट है. सो व्हाट इज द इक्वेशन फॉर टोटल करंट इन ए एम वेव, तो टोटल करंट इन ए एम वेव इज इक्वल टू आई टी इज इक्वल टू आई सी इन ब्रैकेट वन प्लस एम स्क्वेयर बाय टू ब्रैकेट टू द पावर वन बाय टू. और इसको हम ऐसा ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं अगर हमें पावर नहीं देना है तो. ठीक है, देन ये होगा इक्वेशन टोटल पावर, टोटल करंट इन ए एम वेव. तो हमने टोटल पावर इन ए एम वेव देखा, तो ये टोटल करंट इन ए एम वेव. नाउ मॉड्यूलेशन इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ करंट निकाल सकते हैं हम. मॉड्यूलेशन इंडेक्स को करंट के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब एम को एक साइड लेने का और बाकी टर्म्स को दूसरे साइड भेजने का. तो हमने अगर इस इक्वेशन पे ऑपरेशंस परफॉर्म किए तो हमें ये इक्वेशन मिलेगा. सो एम इज इक्वल टू टू इन ब्रैकेट आई टी बाई आई सी ब्रैकेट स्क्वेयर प्लस माइनस वन ब्रैकेट टू द पावर वन बाय टू. ब्रैकेट टू द पावर वन बाय टू मतलब अंडर रूट. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द मॉड्यूलेशन इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ करंट. ओके, देन उस पर कुछ प्रॉब्लम्स भी है, कुछ न्यूमेरिकल्स है, वो न्यूमेरिकल भी आप सॉल्व कर सकते हो. सपोज यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है, अ 10 किलोवाट कैरियर वेव इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड बाय 80%. अ 10 किलोवाट कैरियर वेव इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड बाय 80% डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन बाय द साइनोसॉइडल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. कैलकुलेट द साइड बैंड पावर, टोटल पावर एंड ट्रांसमिशन एफिशिएंसी ऑफ द एएम वेव. तो क्या है, 10 किलोवाट कैरियर वेव, मतलब 10 किलोवाट क्या है, ये पावर है. ओके, 10 किलोवाट कैरियर वेव इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड बाय 80% डेप्थ. तो 80% डेप्थ मतलब ये 80% हो गया मॉड्यूलेशन इंडेक्स. सो 80% मतलब उसकी वैल्यू कितनी है, 0.8. 80% का मीनिंग क्या होता है, 0.8. तो हम यहाँ पे एम की वैल्यू लेंगे 0.8, क्योंकि 0.8 का परसेंटेज कितना आता है, 80. तो अगर 80% दिया है तो हम परसेंटेज की वैल्यू पुट नहीं करते कभी, हम उसको नॉर्मल वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं. सो 80% मतलब 0.8. और पीसी तो यहाँ पे दिया है 10 किलोवाट कैरियर वेव, मतलब पीसी कितना है, 10 किलोवाट. ठीक है, अब साइड बैंड पावर्स है,
क्या पूछा है हमें, साइड बैंड पावर, साइड बैंड पावर कितने है वो कैलकुलेट करने को बोला है। तो दोनों भी साइड बैंड में सेम ही पावर रहती है, तो हम इसको ऐसा लिखेंगे पी यूएसबी इज इक्वल टू पी एल एस बी इज इक्वल टू एम स्क्वायर बाय फोर इंटू पी सी, एम स्क्वायर बाय फोर इंटू पी सी, ये इक्वेशन हमने ऑलरेडी डिराइव किया है। तो एम स्क्वायर कितना है, एम कितना है 0.8, तो यहाँ पे 0.8 पुट करो, 0.8 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू पी सी कितना है 10 किलो वैट, तो 10 किलो वैट को यहाँ पे पुट करो तो क्या आएगा, हमें क्या मिलेगा, किलो मतलब 10^3, आप यहाँ पे 10^3 पुट कर सकते हैं के की जगह, नहीं तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो और के को ऐसा ही लिखो, तो ये आएगा 1.6 किलो वैट। सो टोटल साइड बैंड पावर कितनी है, ये एक साइड बैंड की पावर है, तो दोनों साइड बैंड में कितनी पावर आएंगी फिर 1.6 प्लस 1.6, 1.6 लोअर साइड बैंड की, 1.6 अपर साइड बैंड की, तो टोटल पावर आएंगी 3.2 किलो वैट। ओके नेक्स्ट है टोटल पावर, अब टोटल पावर क्या रहती है, पीटी इज इक्वल टू पीसी प्लस पीएलएसबी प्लस पीयूएसबी, तो पीसी कितना है 10 किलो वैट और पीएलएसबी प्लस पीयूएसबी कितनी है 3.2 किलो वैट, तो 10 प्लस 3.2 कितना आएगा 13.2 किलो वैट, तो टोटल पावर इन दिस एएम वेव इज 13.2 किलो वैट। नेक्स्ट है ट्रांसमिशन इफिशियंसी, वो फार्मूला भी हमने अभी डिराइव किया है, ईटा इज इक्वल एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस एम स्क्वायर, अब एम हमें मालूम है 0.8, तो एम की वैल्यू इसमें पुट करो, यहाँ पे एक ही फैक्टर अननोन है, तो एम की वैल्यू 0.8 पुट करो एंड देन कैलकुलेट, यू विल फाइंड इट इज 22.22%, सो 22.24% इज द वैल्यू ऑफ ट्रांसमिशन इफिशियंसी। सो सच टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स मे आस्क इन यूर एग्जाम विच आर वेरी सिंपल, यू हैव टू जस्ट रिमेंबर द फार्मूलीज, देन सम पैरामीटर्स विल बी गिवन एंड सम पैरामीटर्स विल बी आस्क्ड टू कैलकुलेट। तो जो फार्मूले अगर आपको याद रहेंगे तो आप फार्मूले का यूज करके जो अननोन पैरामीटर है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स यू कैन सॉल्व एज एन एक्सरसाइज, एंड इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी देन यू कैन ऑलवेज आस्क मी। ओके सो बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, अब हम और एक प्रॉब्लम ले सकते हैं जो ऑलरेडी हमने लिया था, सेम ही है ये प्रॉब्लम और वो प्रॉब्लम भी सेम ही है। देन अ 500 वैट कैरियर इज मॉडुलेटेड टू अ डेप्थ ऑफ 80%, कैलकुलेट टोटल पावर इन एएम वेव पावर इन साइड बैंड, सेम ही है। टोटल पावर मतलब पी टी इज इक्वल पी सी प्लस पी एल एस बी प्लस पी यू एस बी, पी सी दिया हुआ है 500 वैट, तो दोनों भी इसको सेम इसमें कन्वर्ट करने का, तो 500 वैट मतलब 0.5 किलो वैट प्लस पी एल एस बी प्लस पी यू एस बी फाइंड कर सकते हैं हम बाय इक्वेशन, सेम ही है ये प्रॉब्लम जो हमने पहले डिस्कस किया। तो इस टाइप के प्रॉब्लम एग्जाम में पूछ सकते हैं, so you must have practice over such a problems. okay then modulation by several sine waves, तो अगर अब तक जो modulation हमने देखा वो modulation एक ही sine wave से था, मतलब एक ही carrier wave हमने ली और उस carrier wave को एक ही modulating signal ने हमने क्या किया उसका modulation किया, तो हमने carrier wave का modulation किया with the help of only one modulating signal। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक से ज्यादा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ले सकते हैं, सो वी कैन टेक मोर देन वन मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एंड वी कैन मॉड्यूलेट द कैरियर, सो उसको बोलते हैं मॉड्यूलेशन बाय सेवरल साइन वेव। ठीक है, तो मॉड्यूलेशन बाय सेवरल साइन वेव जो है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, सो यहां तक अगर आपको कोई डिफिकल्टी है तो यू कैन आस्क।